मसीही भाईचारे वालों क्रिश्चियन नैशनल फ्रंट, पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन होशियारपुर, पास्टर काउंसिल चब्बेवाल, दसूहा पास्टर एसोसिएशन अते पास्टर एसोसिएशन टांडा की अगुवाई विच एक स्थानक होटल विखे राष्ट्रीय प्रधान लारेंस चौधरी, पास्टर बलकार मसीह, पास्टर डैनियल मसीह, पास्टर कुलविंदर, पास्टर धर्मिंदर की प्रधानगी हेठ प्रेस कानफ्रेंस का आयोजन किया गया। सिखा दी सिरमौर संस्था SGPC नू SCPC बनाउण बारे BJP दे राष्ट्रीय बुलारे अते RSS दे प्रचारक RP सिंह दे विवादित बयान दी मसीही भाईचारे ने सख्त शब्दां विच निंदा कीती। उन्हां कहा कि भाजपा प्रवक्ता दा बयान सिखां ते क्रिश्चियनां विच नफरत पैदा करन वाला है। इस बेतुके बयान राही मसीही भाईचारे नू बदनाम करन लई धर्म परिवर्तन दे झूठे दोष ला के बेलोड़ा प्रचारिया जा रहा है। BJP महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम, GST, नोटबंदी आदि मुद्दों तो लोगों का ध्यान हटाने लई धार्मिक वंडियां पा रही है अते RP सिंह नू भाजपा ते RSS ईसाइयां दे खिलाफ सिखां नू भड़काउण दी साजिश रच रही है। RSS अते भाजपा वल्लों लालच दे के पंजाबियां नू धर्म परिवर्तन किया जा रहा जो कक्का पंजाबियां दा अपमान है। पंजाबी ना तो लालची हैं अते ना ही छोटी सोच दे मालिक हैं। भाजपा जान बुझ के पंजाबियां नू बदनाम कर रही है। RP सिंह नू अपने इस घटिया बयान लई पंजाबियां तो माफ़ी मंगनी चाहिदी है। उन्हां आप सरकार तो RP सिंह दे खिलाफ दो धर्मां विच फसाद कराउण दे दिते विवादित बयान खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की। उन्हां कहा कि RP सिंह दे पुतले फूक के पूरे पंजाब अंदर विरोध किया जाएगा। होशियारपुर तो रिंकू थापर की रिपोर्ट। मसीह भाईचारे वालों क्रिश्चन नैशनल फ्रंट, पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन हुशियारपुर, दसूआ पास्टर एसोसिएशन, पास्टर एसोसिएशन टांडा, पास्टर काउंसिल चब्बेवाल की अगवाई हेठ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले दिनी RSS के प्रचारक ते BJP के प्रवक्ता RP सिंह ने एक विवादित बयान दिता जिहदे विच उन्होंने कहा कि अकाल तख्त नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भंग करके श्रोमणी चर्च प्रबंधक कमेटी बना देनी चाहिए। असी RP सिंह दे इस बयान की मसीह भाईचारा सख्त शब्दों में निंदा करता और ये गल दसना चाहते हैं असी पंजाब के लोगों को कि पंजाब के 3.5 करोड़ आबादी जिहदे 77% तो वध सिख आबादी है तो क्रिश्चन भाईचारे की 2% आबादी है और ये BJP जिहड़ी है पंजाब के अपनी जगह बनाने के लिए पहला हिंदू सिखा के विच टकरार कराने के लिए काम करती रही है। हुण BJP सिखा नूं क्रिश्चनां के खिलाफ करके पोलराइजेशन करना चाहती है पंजाब च ताकि अपनी जगह बना सके जिहदे विच BJP कदे कामयाब नहीं होएगी। BJP अपनी कमजोरियां तो ध्यान हटाने लिए अज अग्निपथ स्कीम फेल आ, महंगाई कितनी आ, बेरोजगारी कितनी आ, नोटबंदी च BJP फेल हो चुकी, उधरों ध्यान डाइवर्ट करने लिए पंजाब दे विच BJP धर्म दीयां वंडियां पाउणा चाहुंदी आ और पंजाब दे लोग कदे भी फिरका परस्त एजेंडे नूं कबूल नहीं करनगे क्योंकि पंजाब दे विच एक भाईचारा है। इत्थे हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चन एक भाईचारे वांग रहिंदे आ, सदियां दा इतिहास है जिहनूं वंडिया नहीं जा सकदा। इस करके असीं आप सरकार तो मंग करदे हां कि जिहड़ा दो भाईचारियां दे विच फसाद पाने के लिए जिहड़ा RP सिंह ने एक विवादित बयान दिता उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरे पंजाब दे विच मसीह भाईचारा RP सिंह जिहड़ा पुतले फूक प्रदर्शन करेगा। कमेटी के द्वारा जिहड़ी एक विशाल बब्बे शोभा यात्रा जलंधर कढ़ी जाती असी पूरा मसीह भाईचारा उहदे च शामिल होंगे। गुरपुरब होवे असी सिखां दे जाने और मुसलमानां दे होवे ईद मनाउने इकट्ठे होकर, सो एडी वड्डी जिहड़ी सांझ आ ये BJP RSS कदी नहीं तोड़ सकती। सो मेरी पंजाब दे लोकां नूं अपील आ कि इहो जिहियां BJP दीयां साजिशां ते कदी ध्यान ना दवो बल्कि अपने भाईचारे नूं मजबूत करो। और BJP इस करके सारा कुछ कर रही है, पंजाब च पोलराइजेशन करना चाहुंदी है ताकि सिख वोट नूं कंसीड एक जगह करके स्थिर करके ते बाकियां नूं जिहड़ा टारगेट ते लिआंदा जावे। पर BJP दीयां बाकी गल्लां कित्थे? अज महंगाई ते चर्चा क्यों नहीं BJP कर रही, बेरोजगारी ते क्यों नहीं कर रही, अग्निपथ स्कीम ते क्यों नहीं कर रही जिहदे विच जिहड़ा नौजवान है फ्रस्ट्रेटेड होया पिया कि असीं 4 साल बाद कित्थे जावांगे। BJP नोटबंदी बारे क्यों नहीं दस रही और जिहड़ा राइट ऑफ कर किया जा रहा इंडस्ट्रीयल दा और जिहड़े बैंक अज डिफाल्टर हो रहे उहदे बारे BJP क्यों नहीं बोलदी। BJP जिहड़े आ असल मुद्दों तो ध्यान हटाने लई पंजाब च धर्म के नाँ ते वंडियां पा के फिरका परस्त एजेंडा लिआउणा चाहुंदी आ। पर मैनूं ये पता आ असीं पंजाब दे विच वसदे आ ये भाईचारक साझ कभी नहीं टुटने और बीजेपी कभी कामयाब नहीं हुई। सर पोलराइजेशन की तुसीं गल कीती है, बीजेपी पोलराइजेशन पंजाब में भी कहने करना चाहती है, पोलराइजेशन किस किस धर्म को लेके करना चाहती है? सिखा पर्टिकुलरली कृष्णा या सिखा हिंदुआ, क्योंकि बीजेपी का यह भी कहती है कि अभी सारे सबका साथ सबका विकास लैके का एजेंडा लैके मोदी साहब कहें ना चल रहे हैं, तो ये बारे की कहना? देखो जोड़ा बीजेपी का सबका साथ सबका विकास ये तो देश वासियों मूर्ख बनाने वाली गल है। जदों तो वोटां आ तो फिर बीजेपी लिए जोड़े ऐसी आ वो भी सारे हिंदू ने, जदों करोना आ जाती आ तो फिर बीजेपी लिए वो हिंदू नहीं होंगे, फिर वो मजदूर होंगे ने, फिर उन्होंने कोई गड्डियां नहीं चलदियाँ, फिर उन्होंने स्पैशल बसा नहीं चलदियाँ। सो बीजेपी पंजाब दे विच जिहड़ी पोलराइजेशन आ उहदे विच उहनूं ज़्यादा बेनीफिट आ सिखां दा, क्योंकि 3.5 करोड़ आबादी च पंजाब दी चों 77% तो वध सिख ने। इस करके बीजेपी नूं इह लगदा कि असीं बाकियां नूं टारगेट करिए, सिखां नूं एक जगह कंसीडर करिए ते आरोप जिहड़े आ ओह इह लाइए कि देखो जी सिखां दा धर्म परिवर्तन हो रिहा। बीजेपी अंकड़े दवे, जे है तां लिआवे अंकड़े, दस्से कित्थे धर्म परिवर्तन हो रहा। ये सिर्फ तो सिर्फ पंजाब की जिहड़ी भाईचारक सांझ आ उहदे विच जहर घोलण दा काम बीजेपी कर रही है। अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म, 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।